नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 17 नवंबर 2023 की दोपहर 1:07 पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 दिसंबर 2023 तक सूर्य वृश्चिक राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सूर्य इस एक महीने की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का आधिपत्य होता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव अगर बलि अवस्था में विराजित हो तो इनके प्रभाव काफी सकारात्मक होते हैं। सूर्य बलि हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य बलवान हो तो आकर्षण क्षमता और लीडरशिप क्षमता में वृद्धि होती है। इसकी वजह से जातक अपने अंडर में कई लोगों को काम कराने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली पर यदि कई ग्रह खराब अवस्था में विराजित हो, नकारात्मक अवस्था में विराजित हो, कुंडली पर केवल एक प्लैनेट सूर्यदेव अगर नीचस्थ अवस्था में ना हो, बलवान अवस्था में मौजूद हो, तो हर क्षेत्रों में उन्नति, सफलता और बेहतरीन ढंग से उन्नति देखने के लिए मिलती है। वहीं सूर्य के पीड़ित होने पर जातकों, पिता के साथ संबंध खराब होना, पिता के स्वास्थ्य को संकट आना, मान सम्मान की कमी होना, हड्डियों में प्रॉब्लम, बालों के झड़ जाने की समस्या, पीलिया की बीमारी, आंखों से जुड़ा हुआ रोग परेशान करता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपके राशि के पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 17 नवंबर 2023 को आपके राशि के छठवें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नौकरी के बारे में, चाचा के बारे में विचार करते हैं। छठवें भाव पर सूर्यदेव मंगल के साथ प्रभावी होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस एक महीने की अवधि में काफी सकारात्मक बदलाव देने वाले हैं। सूर्य अपनी नीचस्थ राशि को छोड़कर आपके राशि के सिक्स हाउस पर बलि अवस्था में विराजित होंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों, करियर के मामले में यदि आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था लेकिन परिणाम आपको कम मिल रहा था, तो यहां पर आपके बनते हुए कार्य आसानी से उन्नति पूर्वक सफल होते हुए दिखाई देंगे। बेहतरीन स्थितियां आपको मेहनत के रूप में दिखाई देने वाली है, परिणाम के रूप में दिखाई देने वाली है, यानी आपकी मेहनत का भरपूर रिजल्ट आपको मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में छठवें भाव पर सूर्य का गोचर होना आपके निर्णयों में उत्साह देगा।
प्रभावशाली तरीके से सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य के सिक्स हाउस पर प्रभावी होने से आपके जीवन में, यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपके द्वादश भाव को दृष्टियां डालकर प्रभावित करेंगे, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विरोधियों और शत्रुओं को निष्फल करने में सफल रहेंगे। यदि आपके जीवन में वर्तमान समय में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में आपका जुड़ाव है, इन सभी चीजों में यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है उसमें आपके विजय की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको प्रबल संभावना है कि जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आए। इस एक महीने की समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता और उत्साह के साथ उन्नति की प्रबल संभावना बनेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने वाली है। रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे। पारिवारिक जीवन में यदि आपको बिखराव की स्थिति बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्य आपके द्वादश भाव को दृष्टियां देंगे, अव्यर्थ के खर्च आपके जीवन में बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं यहां पर सावधान रहना है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में दो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। क्रोध करने से बचें और दूसरी सावधानी, भावना के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से भी आपको बचना चाहिए, तो विशेष शुभ परिणाम आपको इस एक महीने में मिलेगा। उपाय की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को सूर्य जनित शुभता को अर्जित करने के लिए तांबे के लोटे में सूर्य को जलाभिषेक करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि के वाले जातकों, यदि आप रविवार के दिन गेहूं, तांबा और गुड़ का दान करते हैं तो भी आपको शुभता काफी ज्यादा मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।